संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। आज हम वेदों के संरक्षण की विधियां, संरक्षण के उपाय और उनके वेद के अर्थ के लिए जो विधियां अपनाई गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज मात्र दो विषय लिए हैं हमने और ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं, इसलिए दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो वेद है, ये वेद को हम दो भाग मान लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं संरक्षण उपाय और इधर लिख लेते हैं वेद के अर्थ के लिए विधियां। ठीक है, क्योंकि वेद के संरक्षण का मतलब क्या है, हजारों सालों से वेद में एक श्लोक की भी किसी ने मिलावट नहीं की है। जैसे हम स्मृतियों के बारे में सुनते हैं कि स्मृतियों को अंग्रेजों ने, जो विद्वान अंग्रेज हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने जो मनुस्मृति है उसको तो डुप्लीकेट उसके जैसी हूबहू कॉपी बना दी है, इस तरह से उसमें मिलावट कर दी है, तो संरक्षण उसका हो नहीं पाया सही से। लेकिन वेदों में कोई भी किसी भी देश का विद्वान हो उसमें एक श्लोक का भी मिलावट नहीं कर पाया, उसका क्या कारण था? उसका कारण था जो संरक्षण के जो उपाय अपनाए गए थे वो आठ विकृतियों के नाम से जाने जाते हैं। जो विकृतियां हैं आठ, उनके कारण, क्योंकि सदियों से उनके द्वारा पाठ किए जा रहे थे, उनके आठ विकृतियां होने से उनमें कोई भी एक श्लोक की भी मिलावट नहीं हो पाई है। एक स्तुति मंत्र जो है वो ज्यों की त्यों पहले से ही चले आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है किसी विद्वान के द्वारा, तो इसका ये कारण है। तो इनकी संरक्षण के जो उपाय हैं वो उनको विकृतियां बोलते हैं, इसको ऐसे याद रखना है, इसको बोलते हैं विकृतियां। और ये कितनी होती है, आठ, यहां लिख दूं मैं ना, विकृतियां, विकृतियां होती हैं आठ। आठ विकृतियां होने से वेद के संरक्षण की लिए आठ विकृतियों का निर्माण किया गया एक तरह से वहां, जिसके कारण आज भी ज्यों की त्यों स्तुति परक मंत्र जो पहले थे वो आज ज्यों की त्यों हमको प्राप्त होते हैं इनकी ही बदौलत। तो प्रथम स्थान, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ, इसको लिख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेद के संरक्षण के उपायों को क्या बोला जाता है, अर्थात जो संरक्षण के उपाय बनाए गए उनको नाम क्या है, तो आठ विकृतियों के नाम से जाने जाते हैं। और आठ विकृतियां ये हैं, पहले स्थान पर है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घना, इस तरह से इसको बोला जाता है। एक बार याद कर लेंगे तो ये फिर याद रहेगा। ये पाठ के नाम है, ये विकृतियां हैं, आठ विकृतियां बोला गया है इनको, ये पाठ के नाम है। इस तरह से आठ प्रकार से वेदों का एक जो स्तुति परक मंत्र है, एक मंत्र को आठ प्रकार से बोलते थे। अब ये कैसे बोलते थे उसके लिए तो फिर वेदों में ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, बहुत विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। मेरा सिर्फ यहां उद्देश्य है केवल आपको छोटी सी उपाय बता देना और वेद के जो जानकार हैं या वेद को जो जानने वाले हैं और वेद के जानने के जो उत्सुक हैं तो वो उन गुरुओं के पास जा सकते हैं जो वेद के बहुत उच्च कोटि के ज्ञाता हैं हमारे देश में। और हम आश्रम में अध्ययन करते थे तो कुछ एक श्लोक हमको सिखाया गया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा हुआ, वो इसी तरह से हमको सिखाया गया था। ये आठ विधियों से, एक मंत्र को आठ विधियों से बोलना सिखाया गया था। रिपीट करते हैं इसको, जैसे का है,
एक छोटा सा बता देते हैं, का है, फिर दोबारा से खा आएगा, फिर खा लेकर के फिर गा आएगा, फिर गा लेकर के इसको ऐसे लेते चले जाते हैं, खा फिर खा गया इसमें, दूसरे में गा यहाँ पे ले गया, लेकिन गा यहाँ पे भी ले लिया, इस तरह से इसे प्रयोग कर दिया जाते हैं। अगले बारे में जब भी प्रयोग किया जाएगा तो खा खा गा, फिर खा गा गा, इस तरह से प्रयोग किया जाते हैं। अब किसमें क्या किया जाता है वो विस्तृत अध्ययन हो जाता है, उसके लिए तो अगर जो विशेष इच्छुक है वो किसी गुरु की तलाश करें जो उच्च कोटि के ज्ञाता है। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं शून्य हूँ, ठीक है। तो ये मैंने तो केवल विकृतियों के बारे में थोड़ा समझाया है, जटामाला, शिखारेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, इनके नाम से ये जानी जाती है। जब इनका अध्ययन किया जाता है, जब एक मंत्र को 8 विधियों से बोला जाता है, तो इतना कोई भी ज्ञाता नहीं हो पाया कि ऐसा कोई मंत्र बना दिया जाए, ऐसा कोई मंत्र बनाए जो 8 विधियों पर कसौटी पर कसा जा सके, तो उसके लिए तो बहुत उच्च कोटि का ही ज्ञाता होना चाहिए था। तो ये संरक्षण के उपाय इनके द्वारा मंत्रों का बहुत अच्छे से हो पाया। अब हम वेदों के अर्थ के ज्ञान की विधियों के बारे में जानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा मिटा दूं मैं, फिर चलते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा जाना है, वैसे तो समस्या नहीं आएगी ज्यादा। सबसे पहले आता है पद पाठ, ठीक है। वो पाठ अलग थे, वो भी जटा पाठ, माला पाठ, रथ पाठ, घन पाठ, इस तरह से वो भी पाठ थे, लेकिन उनसे हटके भी 3 पाठ और होते हैं, संहिता पाठ होता है, क्रम पाठ होता है और पद पाठ होता है। ये 3 पाठ और होते हैं, ध्यान को रखना। संहिता पाठ है वो मंत्र को ज्यों की त्यों बोला जाता है, पद पाठ है मंत्र, ये पद पाठ के नाम से आता है। पद पाठ में क्या होता है, जो मंत्र है उनमें जो संधि समास संधि वगैरह जो की गई है उनको अलग 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 किया जाता है, ठीक है। तो पद पाठ के अंतर्गत, तो पहले स्थान पर पद पाठ से अर्थ को जाना जाता है। जब तक उसमें हमें ज्ञान ना होगा संधियों को तोड़ करके कि कौन सा शब्द क्या है, क्योंकि शब्दों के संधि हो जाते थोड़े से शब्द बदल जाते हैं, उसका कुछ और अर्थ निकल जाता है। तो पद पाठ बहुत ही मुख्य था, मुख्य है वेद के अर्थ को जानने के लिए। दूसरे स्थान पर आता है ब्राह्मण, इसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं कि ब्राह्मणों के जरिए जो ब्राह्मण नहीं जानते वो वेदों के अर्थ को नहीं लगा सकते। तीसरे स्थान पर आते हैं आरण्यक, ठीक है। चौथे स्थान पर आते हैं पदपाठ, आरण्यक, उपनिषद, और पांचवें स्थान पर हैं वेदांग। वेदांग कितने होते हैं सभी जानते हैं, 6 वेदांग होते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, जिन शिक्षा की हमने बात करी थी, पाणिनी शिक्षा होती है, नारद शिक्षा वगैरह जो हमने अध्ययन किया था, वो शिक्षा वेदांग का ही एक हिस्सा है। वेद अंग यानी वेदों का जो अंग है, इन वेदांग के बिना हम वेदों के सटीक उत्तर यानी जो अर्थ है उनको नहीं लगा सकते। दूसरे स्थान पर है व्याकरण, तीसरे स्थान पर है छंद, चौथे स्थान पर है निरुक्त, और निरुक्त तो वेद का शब्दकोश ही है, यहां सिर्फ वेद के शब्दों के बारे में ही व्याख्या की गई है निरुक्त में। निघंटु भी इसका जो मूल है वो निघंटु है, वो वेदों का एक तरह से कोश समझिए, वेद कोश बोल सकते हैं, वैदिक कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ वेदों में जो कठिन शब्द हैं उनका संग्रह है, देवताओं के बारे में और ही बहुत सारे शब्द हैं इसमें, और उनका निरुक्त की निर्वचन भी दिया गया है कि ये शब्द बना कैसे। तो ये बहुत ही मुख्य हो जाता है वेदों के अर्थ को जानने में, ठीक है। पांचवा है ज्योतिष और कल्प सूत्र। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प सूत्र, कल्प सूत्रों के बारे में हमने जाना था। कल्प सूत्रों से मुख्य रूप से याद रखना है यज्ञ से संबंधित सारी विधियों को विस्तृत रूप से जो बताते हैं, यज्ञ की विधियों को बताते हैं इसमें,
और चार भाग हो जाते हैं इसके, स्रोत सूत्र हो जाता है, गृह सूत्र हो जाता है, शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्र जो मुख्य रूप से है वो यज्ञ की विधियों को बताते हैं कि कितनी बड़ी इसमें वेदी बनेगी, कि इसमें कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, कौन सा इसमें ऋत्युक प्रयोग किए जाएंगे, कितने ऋत्युक इसमें लगेंगे, इस तरह से शुल्भ सूत्रों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। गृह सूत्र ग्रहों के बारे में बताते हैं, ग्रह गृहस्थ के बारे में बताते हैं, इस तरह से ये कल्प सूत्र है। तो वेदों में जो मंत्र है उनमें कौन कौन सी चीज दे रखी है, ये सारे जब प्रयोग की जाती हैं तो याद रखना है हमें, वेद के अर्थ के लिए जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से पांच ही हैं, पदपाठ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। इन पांच विधियों के द्वारा वेदों को सही से उत्तर सही से अर्थ जान सकते हैं, लेकिन इनमें से हमने कोई एक नहीं जाना तो हम वेदों का सही उत्तर कह जाता हूं या बार बार सही अर्थ नहीं जान सकते। यहां पर वेदांग के भी फिर पांच हिस्से हो जाते हैं, छह हिस्से हो जाते हैं। शिक्षा, इसमें पाणिनि शिक्षा मुख्य है जो ऋग्वेद की मुख्य रूप से व्याख्या करती है, ऋग्वेद से। इसमें प्रातिशाख्यों को भी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है, क्या सकता नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रातिशाख्य जो होते हैं वो मुख्य रूप से उन्हीं शब्दों की व्याख्या करते हैं जो वेदों में शब्द प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा हो गया, व्याकरण, छंद, निरुक्त। और व्याकरण में इसमें पाणिनि अष्टाध्यायी मुख्य रूप से मानी जाती है और उसमें दोनों का प्रयोग किया गया, लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों का उसमें विस्तृत अध्ययन कराया गया है। छंद, छंदों के बारे में नहीं जानेंगे कि इसमें गायत्री है, अनुष्टुप है, उष्णिक है, पंक्ति है, वृत्ति है, इस तरह से ये सात आठ छंद है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी जब तक ना होगी तब तक उनका अर्थ भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उनको गाया नहीं जा सकता सही से। ऐसे निरुक्त के बारे में बताया था, ज्योतिष, ज्योतिष सीधा शब्द है, ज्योतिष शब्द जो बनता है वो समय के हिसाब से, यानी समय कौन सा होगा, प्रयोग कौन सा किया जाएगा, कौन से मंत्र के लिए कौन सा समय प्रयुक्त है, वो ज्योतिष में बताया जाता है। सवन बोला जाता है इसके लिए, सवन का प्रयोग किया जाता है, जब शिक्षा का हम अध्ययन करेंगे तब उसमें प्रयोग किया जाएगा सवन शब्द। सवन शब्द से तात्पर्य आ जाएगा कि यज्ञ में जो सोम रस निकालते थे उसमें भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, तो कौन सा सोम रस में कौन सा मंत्र किस ध्वनि से उच्चरित किया जाता, इस तरह से ये व्यवस्था थी। और काल का निर्माण कैसे हुआ, काल कौन सा होना चाहिए उसको अध्ययन करने का, कल्प सूत्र के बारे में हम जान ही चुके हैं इस तरह से। तो वेद को दो हैं मुख्य रूप से, एक तो संरक्षण के उपाय जो आठ पाठ मिलते हैं, जटापाठ, मालापाठ, रथपाठ, घनपाठ, इस तरह से आठ पाठों से वेदों के जो स्तुति पर जो मंत्र थे उनको ज्यों की त्यों सदियों से आज तक उसमें कोई विकृति नहीं होने दी, इसलिए इनका नाम भी अष्ट विकृतियां रख दिया, जबकि कुछ और नाम होना चाहिए था, तो अष्ट विकृतियां इन्होंने नाम रख दिया है जिससे कि उसमें किसी में भी विकृति होने ही नहीं दी। वेद के अर्थ के लिए ये पांच विधियां हैं ही, तो ये छोटा सा था, मैंने इसको दोनों को मिला दिया है क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें से, मैंने देखे हैं दो चार प्रश्न इसमें से आ ही जाते हैं किसी ना किसी परीक्षा में। तो उम्मीद है ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको सही लगा होगा, आज के लिए इतना ही।